मौसि का वीन आजाद प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज नाजीन तमाम पाकिस्तानी चाहे वो पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान से बाहर हैं आजमाइश से गुजरे हैं सब ये जानना चाह रहे हैं कि मुल्क में क्या होने जा रहा है चौदह अगस्त को क्या आज़ादी मार्च होगा इनकलाब की कॉल क्या डॉक्टर तयरक्री साहब देंगे और उससे पहले जो पकड़ दकड़ जो मुजाहरे पेट्रोल दस्तियाब नहीं हैं सड़कें बंद हैं किसी ने इलाज के लिए अस्पताल पहुँचना है तो वो नहीं पहुँच पा रहा आज की बात है कि खातून को डायलिसिस के लिए जाना था वो गाड़ी में मौजूद थी तकलीफ से तड़प रही थी लेकिन उनको जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था एक बुज़ुर्ग अपनी बेटी को तो अकेडमी से लेने के लिए जाना चाह रहे थे उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था वो वलहदा परेशान एक तरफ पुलिस हमें दिखाई देती है दूसरी तरफ पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान हमें दिखाई देते हैं जो पुलिस का डट के मुकाबला करने के लिए तैयार हैं पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग पकड़ दकड़ बसों को बंद किया जा रहा है ये है आज का पाकिस्तान और कब तक इस तरह से ये वाकियात ऐसे चलते रहेंगे कब तक लोग परेशानी में जिंदगी गुजारते रहेंगे कब तक लोगों के कारोबार बंद रहेंगे कि उनके कारोबार से ही वो अपने घर वालों के लिए कुछ कमाते हैं लेकिन जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर कमाएंगे क्या कब तक बर्दाश्त किया जाएगा आज के प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायद पाकिस्तान तहरीक डॉक्टर तहरुल्क साहब उनसे हम गुफ्तगु करते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पुलिस की तरफ से पकड़ पकड़ भी हो रही है और आपके जो कारकुनान लाहौर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका गया पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हुई फायरिंग हुई फारिंग कंटेनर्स लगा के रस्तों को बंद किया गया है तो योम शहदा के लिए ये सब लोग आ रहे थे जिनको शहीद भी किया गया जिनको जख्मी भी किया गया और आप इनकलाब की बात करते हैं जो कि योम शहदा से बढ़कर है एक बड़ा स्टेप है एक नेक्स्ट लेवल है तो कैसे इनका लाभ आएगा कि जब योम शहदा पर ही लोगों के साथ ये रवैया रखा गया देखिए ये योम शहदा था इसमें शक नहीं और इसके ऊपर जितना जुल्म हुआ है मैं आपकी बात को थोड़ा इलेबोरेट कर दूं। आपने इजमाली तौर पर जिक्र किया हर चीज़ का यानी पिछले समझिए चार पाँच दिनों में अब तक घरों से और जब से काफलों की सूरत में लोग निकले हैं जो में शुहदा पे आने के लिए पूरे पंजाब से बीस हज़ार अफराद अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं बीस, बीस हज़ार से जायद होंगे घरों से उठाए जाते रहे पहले और उसके बाद काफ़िलों में जब उन्होंने रुकावट डाली कंटेनर लगा के बंद किए और कारकुनान ने चूँकि एक एक काफिला तीन तीन सौ बसों पर मुश्तमिल था कई काफिले की 200 बसें थी कई 100 डेढ़ सौ बसें थीं कई 70 पचहत्तर बसें थीं कोई एक काफिला भी 50-60 बसों से कम न था 50-60 बसों से लेकर 300 बसों तक के अदद के ये सारे काफिले पूरे पंजाब के चारों अतराफ से चले हैं उनको पर शेलिंग भी की और गाड़ियों के अंदर दाखिल होकर हजारा खुतन को जो पचास पचास खवतन एक बस में आती हैं तो हज़ारों ख़ीन को शेलिंग करके बसों के अंदर उनको बेहोश कर दिया गया ठीक है घसीटा बाहर निकाला लोगों को और जब उसके बावजूद वो नहीं रुके उन्होंने उन्होंने कंटेनर हटाए रुकावटें तोड़ी तो आखिरी हद ये की कि फिर उन पर गोलियां चलाईं डायरेक्ट यानी मॉडल टाउन का जो साना सत्रह जून का था उसको कई गुना बढ़ कर जब्र और बरबरीत का नमूना बनाया और इस वक्त तक कल शाम से अब तक आठ शहादतें हो चुकी हैं ये कन्फर्म हैं और जिनकी अभी गैर मुशदा इतलात हैं अल्लाह बेहतर जाने वो कितनी होगी चूंकि हज़ार से जायद लोग जख्मी पड़े हैं सड़कों के दाए बाएं किनारों पर मुख्तलिफ जगहों पर खून में लत पत पड़े हैं जगह दो हजार आदमी एक, एक काफिले में जो तीन सौ बसों का था जो वाया वाली आ रहा था दो हजार के करीब जख्मी हुए हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब मालूम नहीं था कि जब सत्रह जून का एक वाकया हो गया वो लाहौर में कोई ऐसा इज्तर तो हटाने के लिए था ये। तो यह सब होगा कि जब आप योम शहदा काेंगे हफ्ता शहदा का ऐलान करेंगे आपके कारकुनान मुल्क के मुखलिफ हिस्सों से मुख्त शहरों से मुख्त अजला से आएंगे तो उनको इस तरह से रोका जाएगा हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी देखिए ये अंदाज़ा ज़रूर था कि वो रोकेंगे और रोकने की एक हद होती है एक लिमिट से आगे नहीं जाएंगे। हम इनको बाहर सूरत जो कुछ भी है इंसान तो समझते थे इंसान जितना भी गिर जाए जितना भी गिर जाए मगर एक लिमिट होती है और पुलिस को भी ये कि सत्रह जून के वाक़ के बाद शायद कुछ उनके अंदर कुछ हया कुछ ख़याल एहसास वो ख़ून का लत पत होना वो उनको एहसास दिलाएगा लेकिन ये बरबरीत की रिकॉर्ड्स तोड़ दिए दरिंदगी की सारी हदें तोड़ दी बरबरीत खत्म हो गई इंसानियत की इन्होंने तजलील कर डाली और बदतरीन मिसाल कायम कर दी इस हद तक ये गिर जाएंगे और इस हद तक जुल्म की दास्तान रकम करेंगे इसका अंदाज़ा आप भी नहीं कोई शख्स भी नहीं कर सकेगा अब सूरत यह है कि लेकिन अब इनका बैरा देखिए बेरा इंटरचेंज के करीब वहां सैकड़ों की तादाद में कारकुन जैसे लाशें होती है, हैं खून में लथपथ पड़े और खून में लथपथ जख्मी हैं गोलियों के साथ शैलिंग के साथ हेरा परी डॉक्टर साहब एक मैं इजाफा यहां पे कर दूं कि अभी जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया तो एक इतला हमें मौसू हुई कि वहां पर एक पुलिस एहलकार भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत से पुलिस अहलकार वहां पर जख्मी भी हुए हैं तो जहां पर आपके कारकुनान जख्मी हुए हैं शहीद हुए हैं वहां पर पुलिस वालों के साथ भी तो जब इतना जुल्म करेंगे डेफिनेटली कारकुन, उनके हाथ में लाठियाँ भी छीनेंगे ना जी वो और वो अपना दिफा तो करेंगे लड़ेंगे जब आ रहे हैं तो जब उन पर हमला होगा जब उन पर गोलियाँ चलेंगी जब उनके लोग शहीद हो जाएंगे जब लाशें गिरी पड़ी होंगी औरतें भी होश पड़ी होंगी और फिर वो लाशों को लाशों से मेरी मुराद जो जो ज़ख्मी पड़े हैं उन पर भी लाठियां बरसा रहे होंगे तो लाभ वाला फिर जब हाथा पाई होगी तो किसी से लाठियां छीनेंगे और छीन के फिर हमला आवर भी होंगे जैसे उनके हाथ कोई चढ़ जाएगा ये तो जब हाथा पाई होती है अल्टीमेटली तो फिर कुछ अगर उन्होंने हजार हा को जख्मी किया और शहीद कर दिए कई तो कुछ जख्मी उनके हाथ से भी होंगे अल्टीमेटली फिर तो तो हो कहा जाता है कि आम हालात में भी कि अगर किसी वर्दी वाले पर आप हाथ डालेंगे और वह वर्दी में मलबूस होगा तो ये गैर कानूनी है ये जुर्म है ये बात नहीं है वर्दी वाला अगर कानून को तोड़ रहा है आ रहा है जहूरी कदरों को इंसानी कदरों को पामाल करके दरिंदा बन गया है और वो काम कर रहा है जिसकी उसे कानून इजाज़त नहीं देता अपने एक दरिंदा सिफत दहशत गर्द हाकििम के हुक्म पर तो ला उस वर्दी का तकद्दस नहीं रह जाता उसके मनसब और वर्दी का कोई तकदस नहीं है ना ये कहा जाता है न किसी कानून की किताब में लिखा है लोग समझते हैं कहते हैं तो अपने आप बाद लोग गलत बात को फैलाते हैं यानी वो अगर आपके घर कूद जाए और वर्दी में हो और डाका जनी करे तो आप ताफ नहीं करेंगे उसको मारेंगे नहीं जवाब में।, तो में नहीं करेंगे जवाब देना है उसको यह भी तो एक सोचना चाहिए कि मैं दो टके की एक नौकरी की खातिर लोगों की जान ले रहा हूं लोगों के घर चादर चार दीवार को पामाल कर रहा हूं तमाचे मां बहन बेटी को मार रहा हूं बूढ़ो को घसीट रहा हूं ये कौन से कानून ने उसकी इजाजत दी है क्या वर्दी ये इजाजत थी तो वो वर्दी की तज़लील कर रहा है वर्दी की तकरीम नहीं कर रहा लिहाजा ऐसी वर्दी को तो छीन के फाड़ के उसको तीरा तीरा कर देना चाहिए वर्दी को पामाल किया तो उसने कानून के परखशे उड़ाए हैं उसने आईन के परखशे उड़ाए हैं इंसानी हकूक के परखजे उड़ाए हैं इंसानी कदरों के परखशे तो देखिए तो आपके हुक्न ने मारा नहीं 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 मेरा कोई हुक्म आप तो सुबह शाम मेरा हुक्म सुनते रहते हैं कि मैं तो सुबह शाम उनको कहता हूं कि पुरम रहें पुर रहें पुरम अमन तुम्हारी कुवत है अम तुम्हारी ताकत है अम के साथ चलो लेकिन उसूली चीज है मेरा तो हुक्म और तरबियत यह है तैतीस साल लेकिन जब मुझे बताएं कोई आपके ऊपर हमला आवर हो जाए और थप्पड़ तमाचा मारे आपके मुंह पर तो आप उसको दूसरा गाल भी दे देंगे इधर भी मार लो अब ये बहुत सुर्ख हो गई है दर्द होने लग गई है अब इधर मार लो ऐसा तो नहीं करेंगे आप उसको भी फिर सुन मुक्का कुछ तो करेंगे मैं ये सेल्फ डिफेंस कहते हैं और पूरी दुनिया में सेल्फ डिफेंस हर शख्स का राइट है जिस पर हमला हो हती कि सेल्फ डिफेंस में गोली भी चल जाए और अगला मर जाए तो उस पर कत्ल का मुकदमा नहीं होता यह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है कि अगर आपने सेल्फ डिफेंस में कुछ किया आप समझ गए ना डाकू आपके घर आ गए कातिल आपके घर मारने के लिए आ गए तो आपके घर में कुछ हुआ और आपने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया तो आप कातिल नहीं है कातिल वही पुलिस वालों का वकील नहीं लेकिन आ, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि हक की आवाज बुलंद किया जाए जो ठीक है उसको ठीक कहा जाए जो गलत है उसको गलत कहा जाए लेकिन आज मेरी एक पुलिस वाले से बात हुई कहते मुझे चौंतीस साल हो गए हैं पुलिस में नौकरी करते हुए और चौंतीस सालों में मेरी तनख्वाह चौंतीस हजार है और पीछे तीन चार साल रह गए हैं कि मुझे रिटायर हो जाना है घर का मेरा चूल्हा किस तरह जलेगा कि अगर मैं वर्दी उतार के घर पे बैठ जाऊंगा निज़ाम मेरे घर का कैसा चलेगा ये वो उसकी आ, उसकी तरफ से ये इल्तजाज थी और वो अपने दिल का हाल ये सुना रहा था कि मैं इसके अलावा और करूंगा भी क्या और उसका ये भी कहना था कि हम अगर कहीं पर किसी केस में हमें फंसा दिया जाए जिस तरह भी ये सत्रह जून के वाक्य के बाद दो एसएचओ कोर्ट लखपत जेल में बंद हैं उस पर भी पुलिस वालों की जब मेरे से बात हुई उनका यह कहना था कि उसके बाद दोबारा मुड़ के उनकी तरफ कोई नहीं गया पूछने के लिए उनसे कोई हाल नहीं पूछने के लिए गया उनके घर के लिए कोई मदद करने के लिए गया जिस तरह के फौज का कोई जवान शहीद होता है तो उसके बाद बाद में पूछा भी जाता है बल्कि यहां तक बताया गया कि एक बेवा जो है पुलिस वाले की जब वो जाती है पुलिस के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में तो वहां पर उसके साथ भी जो है वो हेराफेरी की जाती है उसके भी जो पैसे बनते हैं उसको देने होते हैं वो नहीं दिए जाते खुद किसी केस में फंस जाते हैं तो वकील अपने पल्ले से करते हैं वो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले सख्ती से ताकीद की जा रही है वक्फे की वक्फे के बाद नजीम लौट कर आते हैं तो डॉक्टर साहब पर इसी हवाले से उनकी राय जानेंगे देखते रहिए हम लोग वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदी प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हमारी खसूस गुफ्तगुजारी है कायद पाकिस्तान अवमी तहरीक डॉक्टर तहरो साहब से डॉक्टर साहब वक्फ़े पर जाते हुए पुलिस वालों की बात हुई वो तो खुद पिसे हुए हैं और उनको तो खुद कुछ अपने लिए बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मजबूर हैं तनख्वाह मिलती नहीं है तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता पुलिस के ही महकमे में पुलिस के ही अहलकारों की जब कोई बेवा जाती है तो उनको कोई पैसे जब देने होते हैं उसमें भी हेरा फेरी होती है बात यह है कि इस माशरे में कौन सा तबका है सिवाय अशराफ़िया के जो इकतदार और कारोबार पर काबिज हैं दोनों चीज़ों का गठजोड़ जिनके पास है इकतदार का भी कारोबार का भी और वो सल्तनत उनके हाथ में उस अशराफिया के चंद हज़ार ख़ानदानों को छोड़ दें फिर उसके नीचे अपर मिडिल क्लास है ताकतवर लोग हैं वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी न किसी शक्ल में तो ऐसों को निकाल दें अगर अठारह करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की तो आप उसमें से इस तरह के खानदान और बच्चे बच्चियां छोटे मोटे निकाल के दो तीन करोड़ निकाल लेंगे पंद्रह करोड़ बारह करोड़ तक आ जाएंगे आप पाँच छः करोड़ निकाल देंगे बारह से पंद्रह करोड़ अफराद सब पिसे हुए हैं तो जब सारे पिसे हुए हैं तो उनमें पुलिस के अहलकार भी पिसे हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पिसे हुए लोग दरिंदे बनकर अपनी सोसाइटी के तबकात की बोटियाँ नोचना शुरू कर दें और उनको कुत्तों की तरह खाएं और नोचें और उनकी बूटियाँ खाएं या जानवरों की तरह उनके ऊपर हमला आवर हों और जिबा कर दें शेर बन के उनकी गोश्त नोच डालें और गोलियों के साथ उनको छलनी कर डालें या उनके घर डाका जनी कर दें ये काम तो हैवान भी नहीं करते कुत्ता कुत्ते को नहीं नोचता शेर शेर पर हमला आवर नहीं होता वो भी अपने तबके की वो जैसा भी है भूखा भी हो मगर उसकी भी हया की कुछ लिमिट्स होती हैं तो पिसे हुए ज़रूर हैं मगर अल्लाह ने कुछ जमीर भी रख भी रखा है कुछ हयाह और ईमान भी होना चाहिए लिमिट क्रॉस अगर करेगा तो फिर वो कसूरवार है देखिए रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक काफिला था सहाब कराम का किसी गजबा के लिए तो उनका एक सिहाबी अमीर था उसने अपनी स्ट्रेटेजी के तौर पर सिहबा कराम जो उसके काफिले में जिनका वो अमीर था उस लश्कर कोम दिया कि वह आग में कूद जाए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सलाम के पास पलट कर जब वापस आए तो उनकी सारी स्टोरी सुनाई आपने फ़रमाया कि इस हाकिम के जो अमीर था उसके हुक्म पर अमल करते हुए अगर तुम आग में कूद जाते तो क़्यामत तक दोजख़ की आग में जलते और फिर आपने शायद फरमाया लाता इन फी असीत अखालक इन न मत तातफ ता तो मारूफ कोई भी हाकिम हो कोई भी शख्स हो उसके हुक्म की इतात किसी ऐसे काम में नहीं की जाती जो मासीत हो और गुना हो और अल्लाह की नाफरमानी हो जो हद से तजावज करने की बात करे, और आपने फरमाया इतात हाकिम हो या बड़े लोग हों वो सिर्फ और सिर्फ नेक और जायज़ काम में की जाती है हजूर इस्लाम ने लिमिटेशन फिक्स कर दी अब बात यह है कि पैगम्बर इस्लाम से ज्यादा हमदर्द अपनी उम्मत के लोगों का पीसे हुए तबकत का हजूराम से ज्यादा हमदर्द कौन है उसके लिए भी हुक्म की लिमिट्स मुकर कर दी कि जो हुक्म जायज हदूद में है नेकी की हदूद में है आइन और कानून इंसानियत और शराफत और भलाई की हदूद में है उसके आप पैरों का पैरवी करें इतात करें ताबेदारी करें जो आपको ट्रांसग्रेशन का हुक्म दे ज्यादती का हुक्म दे जुल्म का हुक्म दे दूसरों के घरों में दाखिल होकर उनके दुपट्टे नोचने का हुक्म दे सोए हुए बेगुनाह लोगों को उठा के जेल में बिलावजा बगैर पर्चे बगैर जुर्म के दाखिल करने का हुक्म दे आने वालों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे औरतों को बेहोश करके मारने का हुक्म दे ये हुक्म ना आइन में है ना कानून में है ना कुरान सुनत में है ना शराफत में ना जमूरियत में ना इंसानियत तो डॉक्टर साहब आपके नाकदीन का ये कहना है कि यौम शहदा के लिए आने वाले लोगों को रोक कर कटेनस लगा के मॉडल टाउन के लोगों को मैसूर करके उन्होंने ये कर दिखाया है या साबित कर दिया है कि आप और आपकी जमात को इनके लिए ज्यादा बड़ा मसला नहीं देखिए जी इस तरह के कदम करना अली मुमताज कोई भी इकतदार में हो और इकतदार उसको अंधा कर दे और वो इंसानियत की कदरों को छोड़ दे और हैवान बन जाए दरिंदा बन जाए तो ये कोई भी रियाती ताकत किसी के हाथ में आ जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जमात के साथ भी ऐसा जुल्म करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता यह एक रूटीन की चीज है मगर मैं आपको बता दूं एक वक्त आता है कि मजलूमियत ताकत पकड़ती है मजलूमियत गालिब होती है मजलूमियत को इकतदार मिलता है जुल्म इस इंतहा पर जा पहुंचा है कि इसके बाद इस तख्त का इस हकूमत का खात्मा है यह जुल्म की इंतहा इनको बचा नहीं सकती इन्होंने जुल्म किया है शही, शहीद किए हैं उनका खून बहाया है इंसानी जिस्मों को छलनी किया है जख्मियों को मारा है इंसानियत की तजलील की है चादर चार दीवारी को पामाल किया है बीस हजार से ज्यादा लोगों को उठाकर जेलों में डाला है और पूरे के पूरे पंजाब और पाकिस्तान की जिंदगी को मुअत्तल कर दिया है जब सारा पाकिस्तान सील है तो आपकी नकलो हरकत बंद हो गई आपका पेट्रोल खत्म आपकी ट्रांसपोर्टेशन खत्म आपके सफर करने के हुकूक खत्म दफ्तर आना जाना मुश्किल अब सिंध से लोग पंजाब नहीं आ सकते और के पी के, के लोग पंजाब नहीं जा सकते यहां के लोग बाहर नहीं जा सकते आपने बिल हकीकत में सारे पाकिस्तान को जामिद और मुतल कर दिया पूरी जिंदगी को तो ये जो कुछ किया है ये इनकलाब का रास्ता नहीं रुकेगा ये बादियों नजर में कोई समझ सकता है कि ये गालिब आ गए हैं मगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ये की कर करा करा की अब आप इंकलाब का रास्ता खुलेगा इंकलाब की आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्योंकि पहले तो अगर ये सब ना होता तो ये सोचा जा रहा था समझा जा रहा था कि 10 तारीख को यानी कि कल आप ये ऐलान कर देंगे कि आपने इस्लामत की तरफ कब बढ़ना है लेकिन इन हालात को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि अब आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा देखिए हम अपनी स्ट्रैटेजी अब चेंज करेंगे हम अपनी मुशावरत करेंगे स्ट्रेटजी करेंगे मगर इनकलाब को बाहर सूरत आना है इनकलाब को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और इनका जुल्म के ऊपर और खून के ऊपर कायम होने वाला तख्त अब बच नहीं सकता जितना जुल्म किया है इससे अब बचेंगे नहीं इन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी है ये समझ रहे होंगे बैठ के अब वो यजीद ने भी एक वक्त समझा था हम तो कुछ नहीं है हमारी तो हैसियत ही कुछ नहीं हम तो सीधना इमाम मुकाम इमाम हुसैन और बैत उनके कदमों की और उनके जोड़ों के खाक के जर्रों का भी मुकाबला नहीं कर सकते हम तो उनकी गली के सद हैं हमारी हैसियत नहीं है वो इतने आलीशान आकल इस्लाम के गद्दों पर बैठने वाले और शाहजादे और हजूर का खानवादा है रसूल उनको जिबा करके और उनको घोरों की टापों से

उनके लिए आपने कल के दिन का ऐलान किया था और आपने साथ में यह कहा था कि अगर यह पकड़ दकड़ यह तशद हुआ तो फिर इस्लामाबाद नहीं बल्कि आप रुख करेंगे जाति उमरा का तो क्या अब कल आप ये ऐलान करने जा रहे हैं कि तमाम कारकुनान अब जाति उम्र का रुख करें नहीं मैंने कहा कि इन्होंने जुल्म की जिस इंतहाई हदों को भी छू के आगे गुजर गए हैं हम अपनी पूरी स्ट्रैटी जो है उसको सारा जायजा लेकर अपनी अगली स्ट्रेटी का आराम से ऐलान करेंगे मगर एक बात क्लियर है मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस पूरे जुल्म से इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकता मजलूमों को महरूमों को मजबूरों को मकूरों को और शहीदों के खून के, के नहाए हुए लोगों को बिल आखिर इकतदार तक पहुंचना है और इनके इस इकतदार का इंशाअल्लाह खात्मा होगा जुल्म की अंधेरी रात का खात्मा होगा और गरीबों और कमजोरों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी स्ट्रैटेजी में रद्द बदल होगा क्या रद्दबदल में अब यह भी शामिल है कि आपने जो ऐलान किया था कि ये हुक्मरान यानी कि सीएम पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये 31 अगस्त के बाद इनकी हकूमत नहीं रहेगी पाकिस्तान मुस्मि नवाज की हकूमत नहीं रहेगी तो जहां पर आपकी अब हमत में रद्दबदल आ रहा है तो वहां पर अब इस ऐलान में भी रद्दबदल होगा मैं नहीं ख्याल करता कि इस ऐलान में रद्दबदल होगा आप अभी भी समझ रहे हैं कायम लेकिन कैसे होगा कैसे की साथ सूरत हाल सामने आएगी तो कैसे का जवाब मिल जाएगा इन शाह मैंने आपको बताया इस मजलूमियत में फतह है और इस जुल्म में उनकी शिकस्त है इसी से का रास्ता निकलेगा आप मुजाकर के लिए भी तैयार नहीं है ख्वाजा साहब ने आज इतना फिर टेलीविजन पे कहा कि आप भले डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि कई मरतबा पिछले एक डेढ़ माह में आपसे राबता कायम करने की कोशिश की गई कई मरतबा उनकी तरफ से लोग भेजे गए लेकिन आपने हर मरतबा इनकार कर दिया देखिए ये इतने इंसानियत के बड़े कातिल हैं कि गुजरा वाला से काफिला चला जो अभी आपकी ब्रेक के दौरान इतला आई है कंट्रोल रूम में वो लाहौर के करीब पहुंच गया था जब मैंने ऐलान किया कि चूंकि कंटेनर इतने ज्यादा हैं कि लोगों का पहुंचना पॉसिबल नहीं वह अपने घरों में योम शहदा मनाएं और वहां परमन एहतजाज करें और धरने दें तो वो काफिला मेरे इस ऐलान के बाद वापस गया कि अब गुजरावाला में आप योम शहदा भी मनाएं और धरने भी दें और एहतजाज भी करें वापस जाते हुए मुरीद के पहुंचा वापसी पर तो मुरीद के उन्हें घर भी नहीं जाने दिया उसको रोक कर फिर उनके ऊपर अजियतनाब तशद जारी है मर्द चूके पहले लड़ लड़के जख्मी निटाल होकर गिर चुके थे अब मोस्टली खातन थी खातीन पर तशद हो रहा है बेहोश की जा रही हैं और जुल्म और अजियत के साथ उनकी हालत खराब की जा रही है ये इतने ज़ालिम और दरिंदे लोग किस किस्म के मुजाकर की बात करते हैं सवाल यह पैदा होता है मुज़ाकरात कौन से चौदह शहीदों की एफ आई आर कटने नहीं दी जो मुतालबा किया था तो मुजाकर किस चीज के जब भी मेरे पास आए मैंने कहा एफ आई आर कटवाएं शबाज शरीफ मुस्ताफी हों और कत्लेम के जिम्मेदार अफसर कानून के सपुर्द हों उसके बाद आप बात करें कि बात करनी है किसी सब्जेक्ट पर पे नहीं यानी जुल्म करके जालिम कहे कि मेरे साथ बात करो और जुल्म को जारी रखे ये शर्म में डूब मरना चाहिए उन्हें बात करते हुए शर्म में डूब मरना चाहिए मगर डूबे कहा शर्म नहीं है हया नहीं है इंसानियत नहीं है जमहूरियत तो बड़े दूर की बात है ठीक है कम से कम उनके रवैये में कुछ इंसानियत कोई जमहूरियत नजर आता जुल्म इंतहा दर्जे का और फिर लोगों को कत्ले आम करके और उनको निटाल करके गोलियों के साथ और छलनी करके और यौम शोदा की शिरकत से रोक कर उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म करके फिर कौन से मुजाक मुजाकर के लिए कोई तो लिमिट होती है ना ठीक कोई उसूल होता है कोई जाप्ता होता है ठीक है डॉक्टर साहब हम इस मौके पर लेना वक्फा और नाजी के बाद लौट कर आएंगे तो डॉक्टर साहब से मजीद गुफ्तु होगी अभी डॉक्टर साहब ने हया की बात की तो कल जो फैसल टाउन चौक पर पुलिस की तरफ से शेलिंग हुई उस दौरान बहुत से पुलिस एहलकार मुजाहरीन के एहतजाज की वजह से पीछे धकेले जा चुके थे तो तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स पे तमाम टेलीविजन पे चैनल्स पर यह देखा भी गया कि खुद डी आई जी हैदर अशरफ साहब नारे लगाते हुए और हौसला अफजाई करते हुए पुलिस वालों को कह रहे थे कि हया करो शर्म करो आगे बढ़ो पर पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ रहे थे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद वक्त के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशदी प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगु जारी है डॉक्टर तहुली साहब से डॉक्टर साहब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आज शाम को यह ऐलान सुनने में आया कि आई जी पंजाब ने यह कहा कि कंटेनर्स को हटा दिया जाए जाहरी बात है उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया गया तो उन्होंने यह कहा अब तक कंटेनर्स तो नहीं हटे लेकिन आ, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है जिसमें कंटेनर्स हटा के मामला ज़रा आसान करने की कोशिश की जा रही है ना कोई रबता ना कोई अंडरस्टैंडिंग ये सब दजल और फरेब और झूठ है मक्कारी है हुकूमत पंजाब की अब आपके सामने आया कुछ मैंने भी टी वी पर सुना कि छः बजे की बात थी अब आपके पौने नौ बज गए हैं तो अब आप देख के आए हैं सारे कंटेनर जू के तू हैं को हटाएंगे भी तो बस ख़ास इलाकों के हटाएंगे जिससे हमारे काफ़िलों की आमद या योम शुहदा में शुरा की आमद पर कुछ फ़र्क न पड़े वो जू के तू रहेंगे क्योंकि उन्होंने तो जिबा कर दिया ना लोगों को और उसके बाद हमने कह दिया कि आप वापस अपने शहरों में योम शहदा मनाएं और एहतजाज करें काफिलों को वापस भेज दिया बजाय 24 घंटे बल्कि 36 घंटे से जो एक जंग थी और कारकुन जख्मी हो रहे थे शहीद हो रहे थे उन्हें मजीद ये कि आपस में इसी तरह की निहत्थे मासूम इंसान अपनी जंग जारी रखें और जाने दें तो मैंने डिसीजन किया कि आप अपने शहरों में और कस्बों में और तहसीलों में जहां हैं वही तो में ये तासुर हैं। गलत है वहीं तालत है आपस में बातचीत हुई है कुछ ना आई है ना अंडरस्टैंडिंग है ना रिलेक्सेशन आई है ना आएगी मैं तो तो ये बता रहा हूँ हमारे लोग तो हमने तो वापस भेज दिया है ना मेरी बात आपने अपने इलाकों में वापस चले जाए मैंने तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो वापस जाएं और आपका योम शोहदा अपने शहरों में है और वहीं एहतजाज करें जुल्म के खिलाफ और सरापा एहतजाज बने और वहां धरने दें वापस भेज दिया अब वापस जाते हुए भी उन पर शेलिंग हो रही है और तश्द्दो धो रहा है तो किस चीज का डॉक्टर साहब ठीक एक हफ्ते के बाद आज शेख रशीद अहमद साहब आपके पास दोबारा मिलने के लिए आए वो खान साहब का कौन सा पैगाम लेकर आए क्योंकि अब फोन पे तो राबता मुश्किल है यहां पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए खान साहब का वो पैगाम लेकर कोई पैगाम नहीं रहा वैसे रूटीन से वो मिलने आए थे जैसे कभी कबार आते हैं क्या अभी भी आपके और कोई, भी के कोई आपस में पैगाम एक्सचेंज हो रहे हैं नहीं। कोई... शेख रशीद साहब कभी भी हमारे पैगाम का कोई वास्ता वसीला नहीं रहे शेख रशीद साहब की अपनी नेक ख्वाहिशात अव्वल दिन से रही हैं और वो सिद्ध के दिल से करते रहें मगर कोई वो मुकर नहीं है कोई रहा पैगाम लाने या ले जाने के लिए ये काम उन्होंने कभी नहीं किया डॉक्टर साहब आपकी तहादी क्या कर रहे हैं चाहे वो सुन्नी तहाद कांसुल हो चाहे वो वह मजलसमुसमिन हो चाहे वो चौधरी साहिबान हो उनके वर्कर्स कहाँ हैं उनके लोग कहाँ हैं क्या सिर्फ उनकी सपोर्ट आपके पास आकर तजावीज की हद तक महदूद है या उनकी तरफ से अमलन भी कुछ होगा हाँ, देखिए अभी हमत अमली को हम डिस्कस कर रहे हैं हम देखते हैं कि सिलसिले में क्या उनकी तरफ से पेशर हो सकती है हम भी एक, एक माह से उनकी भी हमत अमली देख रहे हैं वो हमत अमली हमें इस हद तक ही महदूद नज़र आ रही है कि आकर आपसे मुलाकात फिर मीडिया टॉक फिर वापस फिर आएंगे फिर मीडिया टॉक और फिर वापस इसको जायजा ले रहे हैं कि सुन्नी इतिहाद कौंसिल के तो कार जो हैं वो भी उसी तरह पैट के कारकुनान के साथ या उनके साहबजादा हामिद रज़ा के भाई भी अरेस्ट हो गए ना उनके घर से तो उनके कारकुनान तो सारे उन्हीं काफिलों में रोके गए जो फैसलाबाद से आ रहे थे उनके मोसली जिन जगहों से या गुजरमाला से भी शरीक होके आ रहे होंगे वो तो उसी ही जद में हैं कि वो रोके गए पैट के साथ आ रहे होंगे मजलिस वादतमसलम के कायदीन अपनी हमत अमली और अपना मैसेज जमात के कारकुनान को दे रहे हैं और वो अभी तक दे रहे हैं अभी क्या वो अभी देखते हैं उनसे पहुंचा नहीं क्योंकि मजलिस से वादुल मुस्लिमीन के तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब भी उनका कहीं एहत हुआ है चाहे वो कराची नुमाइश सुरंगी हो चाहे वो लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर हो चाहे वो ठोकर न्याज बेग हो चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट हो वो तो कमाल एहत करते रहे हैं वो तो हर चीज़ बंद हो जाती रही है वो हम देखते हैं इन कि उनसे आज बात हो जाएगी पहले भी मीटिंग दिन को रही है आज शाम को फिर होगी और उसका लाया अमल क्या बना यानी कि सिर्फ नक तमन्नाओं से भी आगे बात है सिर्फ नक तमन्नाओं की हद नहीं, तक नहीं, नहीं वो भरपूर शिरकत है उनकी भरपूर मुआफकत है भरपूर शिरकत है और वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में बराबरी सदार हैं पूरे भरपूर तरीके से तो आज शाम को होगी तो जरा रिपोर्ट मालूम हो जाएगी क्या डॉक्टर साहब आपने अपने कारकुनान को कहा है कि एहतजाज एहताज एहतजाज तो ये एहतजाज कब तक चलता रहेगा कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे कब तक हाथों में लाठियां उठाए मुकाबला करते रहेंगे कब तक रातों को जागते रहेंगे कब तक जो है वो बारिश बरस रही होगी और वो फिर भी खड़े नारे लगा रहे होंगे कब तक ऐसा चलेगा वो करेंगे अपना मेरा ख्याल ख्याल इंशाल्लाह शलाब की सुबह तक दूसरी तरफ डॉक्टर साहब आप का कई मरतबा ये देखा गया है कि जब कोई मुश्किल सूरत हाल आती है तो आप दिफाई इधारे फौज को एड्रेस करते हैं तो क्या आप का ऐसा करना आप चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे अब नहीं करेंगे ना कर रहे हैं ना करेंगे लेकिन आज भी आपने जब प्रेस टॉक की तो उसमें जिक्र था न मैंने तो तमाम इदारों तो का कहा और खास तौर तो पर इशारा दिया मैंने अदलिया केदारे के तो, तो उसमें इदारे। फौज ही है। तो क्या उससे हैं। उसमें मार्शल लॉ की तरफ जाना चाहिए भी है उसमें सिविल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी हैं और उसमें तमाम सिविल इदारे मैंने स्पेसीफाई किया बाद में आप नहीं समझते कि आप मार्शल लॉ की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं मैं तो मार्शल ला को इन्वाइट नहीं कर रहा हूँ और कब तक यहाँ मॉडल टाउन में आप रहेंगे कब तक आप यहीं पर मैसूर रहेंगे और आपके कारकुनान आपकी हिफाजत पर मामूर रहेंगे नहीं मैं कारकुनान के साथ हूँ कारकुनान मेरे साथ हैं ये तो एक इनकलाब की जंग है ठीक है इसमें हम सफरी है इन शह ये अल्लाह की मदद नुसरत से ये इनकलाब पर जाके ख़त्म होगी ठीक है इनकलाब पर ख़त्म होगी और हुकूमत के साथ या पाकिस्तान तहरीक़ इंसाफ के साथ आपकी अब मज़ीद कोई आ, ऐसे कनेक्शंस नहीं रहे हुकूमत के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के के साथ के साथ तो कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा उन्होंने तो एक आदमी रखा हुआ है शरीफ आदमी उनका नाम है गुलाम सरवर साहब गवर्नर वो जो राबतों की बात करते हैं वो सब लग्ब है मैं वो भी बता दूं वो सब झूठ है वो एक शरीफ आदमी है जो बेबस और बेकस है गवर्नर साहब वो अब अफराद को भेजते हैं और वो खुद खुद रोते हैं और परेशान होते हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है मुझे बस ये ऐसे ही ऐसे काम में डाला हुआ उन्होंने तो मैं इसलिए कहता हूं कि कोई रे की कोई कोशिश ही ना कभी हुई हमें मालूम है अगर कोई सीरियस कोशिश हो तो हम उसका जवाब हम जो उनको दे देते हैं फिर उसके जवाब का रिस्पॉन्स भी देखते हैं ना उनके पास तो बस बस में कुछ नहीं है नहीं। वो एक शरीफ नफ्स आदमी है एक जाती सा ताल्लुक है पुराना इंग्लैंड में मेरे आने जाने के हवाले से वो खुद भी कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार में कुछ नहीं एक जुमला भी बोल के फिर वो पूछते हैं उनसे उनके पास कुछ नहीं है वो कुछ करें तो वो आदमी भेजते रहे तो मैंने उनको हमेशा जवाब दिया कि ए पी सी का एलामिया, चौदह शहीदों के बारे में जो एफ आई आर है उसका निफाज लेकिन वो निफा तो ना हुआ है ना तो हो जाएगा इंकलाब आएगा सब कुछ हो जाएगा इनकलाब के बाद अदालतें आजाद होंगी थाने आजाद होंगे कानून आजाद होगा इस वक्त सब कुछ गुलाम है आजाद होंगे इन शाह माशरे और इधारे उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा अल्लाह के हकूम से लेकिन इसके लिए फिर लोगों को अभी भी मजीद इंतजार करना होगा जी हाँ साफ जाहिर है इंतजार करना होगा और मैं आपको बता रहा हूं लोगों को शरीक होना होगा लोग चाहे घर बैठे के इनकलाब उनकी झोली में पड़ा, आ जाए आसमान से फल के तौर पर गिरे और झोली में आ गया काट के खाने इस तरह इनकलाब नहीं आता मैं एक साल से कह रहा हूं आपको याद है बिल्कुल एक साल से कह रहा हूं कि इनकलाब समझे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुन तनहा कुर्बानियां दें और इनकलाब लोगों के घर पहुंच जाए ऐसा नहीं होगा इंकलाब के लिए पूरी कौम को शरीक होना होगा जिद्दोजोद में पूरी कौम को इसकी एफर्ट में हिस्सादार बनना होगा ठीक है तो वो कौम को मिलेगा हमारी अवाम इतनी सीधी साधी भोली अवाम है कि लोगों से हम बात करते रहते हैं उनकी राय जानते रहते हैं ये भी पूछना हमसे हमसे पूछते हैं कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते हुए इस्लाम आबाद जाएंगे नहीं जाएंगे डॉक्ट साहब का साथ देंगे नहीं देंगे उनके आगे से जवाब इस तरह के सुनने को मिलते हैं कि मैं पहले घर से अपने काम पर आधे घंटे में पहुंचता था अब ये कमाल सड़कें ताम, तामीर हो चुकी हैं पंद्रह मिनट में पहुंच जाता हूं तो मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि अब सत्रह रुपए से ज्यादा का यूनिट हो चुका है बिजली का एसी चलता नहीं है पाँच हज़ार छः हज़ार पाँच सौ फिर भी बिल आ जाता है बस मैं अपने घर से काम पर आराम से पहुंचता हूं सड़कें ठीक हैं पाँच साल पूरे करने दिए जाएं हुकूमत को और वो ये कहते हैं कि बस हमारा यही काम है हम कहां अपना अखबार अपना बंद करके अपनी नौकरियां छोड़ के सब कुछ कुर्बान करके इस्लामाबाद निकल पड़े और अपनी जान भी दे दें देखिए हर सोसाइटी में एक तबका ऐसा होता है और इनकलाब उस तबके की ज़रूरत नहीं होता जब उस तबके के लोगों से पूछेंगे दो किस्म के तबके हैं ऐसे तबके से पूछेंगे तो इनकलाब उनकी ज़रूरत नहीं है वो इस पूरे निज़ाम पे सेटिस्फाइड हैं ये उनकी जरूरत नहीं है तो ऐसे तबके से ऐसे जवाब का मिलना बिल्कुल एह मुताबिक तो है और एक तबका ऐसा भी है जो इतना पिस चुका है इतना पिस चुका है कि उनकी उम्मीद के आखिरी चराग भी बुझ गए हैं वो टोटली नाउमीदी और मायूसी के अंधेरों में है उनके अंदर इतनी आस और उम्मीद रखने की हिम्मत भी नहीं रही इतना शऊर भी नहीं रहा तब्दीली की आर्जू भी खत्म हो चुकी है जब उनसे पूछेंगे वो जवाब होंगे कि कोई तब्दीली नहीं आनी ये आमिर लोग जुल्म और जबर और इस्तेसाल से ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि गरीबों को पीस पीस कर हर किस्म की तब्दीली और मुस्तकबिल की रोशनी से उन्हें मायूस कर देते हैं उनके अंदर तब्दीली इनकलाब की उम्मीद और आस भी बाकी नहीं रहती एक तबका वो होता है हर सोसाइटी में आपको ऐसे दो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और ये मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में है कि अब आप अपने कारकुनान को क्या पैगाम देंगे इस सिचुएशन को देखते हुए कि जहां पर आपने सब अपने वर्कर से कहा कि आप अपने अपने शहरों में अपने इजला में एहताज करें क्या आप नहीं समझते कि यहां पर आपके वर्कर्स आपके घर के अतराफ में अपने आपके सेक्रेटेरिएट के अतराफ में इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं तो उनको पुलिस ने इस तरह से कंटेनर लगा के रोक दिया है जैम कर दिया है ब्लॉक कर दिया है तो वहां पर हर इजा में छोटे शहरों में तादाद भी कम होगी तो उनको तो हैंडल करना पुलिस के लिए तो मसला ही कोई नहीं हो। होगा देखिए ये इंशाल्लाह शाह मुलगीर होगा मुलगीर धरने होंगे मुलगिर एहतजाज होंगे और इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सदाए ऐतजाज बुलंद होगी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और ये इनकलाब की सुबह तक इंशाल्लाह जारी रहेगा मैं कारकुनान को और को जो उनके साथ हैं ये मैसेज दूंगा कि वो हौसला पस्त ना करें जुल्म के सामने कभी सरनगु ना हो और जुल्म के सामने कभी आप हथियार न फेंकें और जुल्म के सामने अपनी अमन और अपने जब्त और अपने सब्र और अपने ईमान की कुत को कभी कमजोर ना करें ज़ुर्रत और हिम्मत के साथ एहतजाज की शक्ल में बढ़ते चलें बढ़ते चलें जुल्म को बिलाखिर खत्म होना है और जुल्म के राज को भी खत्म होना है इन इनकलाब की सुबोतलू होगी डंडे का जवाब डंडे से जो डंडा मारेगा अपने दिफा के लिए डंडा मारना आपका हक है जो घूसा मारेगा अपने दिफा में घूसा मारना आपका हक है वो मुजरिम है आप कानून ने आपको बेगुना डिक्लेयर किया है सेल्फ डिफेंस में मैं बता रहा हूं आपको कोई गोली चला रहा हो या चलाए आप अपने जाति दिफा में गोली भी चला दें बंदा मर जाए आप पर 302 का केस नहीं होगा ये पाकिस्तान का कानून बता रहा हूं सेल्फ डिफेंस में आपकी गोली से भी जो कातिल आपको कत्ल करने के लिए तो मर जाए और सेल्फ डिफेंस एस्टेब्लिश हो जाए तो आप कातिल नहीं है और यह शरीयत का भी हुक्म है यह पूरी दुनिया के तमाम कवानीन में दर्ज है और पाकिस्तान का भी है लिहाजा यह कहना कि जवाबी कार्रवाई में इसने यह किया जिसने जवाबी कार्रवाई ने किया उसने कोई नहीं किया सौ फीसद सही किया आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक बैन अलावा तमाम ममालिक रिवायात की, रिवाया की है कर, उसका राइट है ठीक है डॉक्टर साहब उसका, उसका यह मतलब नहीं कि कोई उसका सर फोड़ दे और सर नीचे करके ऐसा सब बुजिल बन के खड़ा रहे नहीं सर फोड़ने वाले का सर फोड़े ठीक है पत्थर मारने वाले को अपने दिफा में पत्थर मारे है, लाठी चलाने, थीक थीक चलाने थीक वाले को अपने दिफा पे लाठी चलाए सिर्फ मैंने जो चीज रोकी है वो ये कि गोली ना चलाए ठीक है डॉक्टर साहब असला है के लिए बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने वक्तिया नाजीन इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत अलान नगबान